परफॉर्मिंग आर्ट्स ISPA, ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है। गिव बैक टू माई इंडस्ट्री जिससे मैंने नाम कमाया। मुझे इंडस्ट्री में आज 12 साल हो चुके हैं और जो भी मैंने नाम कमाया इस इंडस्ट्री की वजह से कमाया है और जो भी मैंने सीखा है यहाँ से सीखा है। और ISPA एक प्लेटफॉर्म है, एक जगह है जहाँ पर न्यू टैलेंट्स को हम डांस सिखाएंगे, जिनको इच्छा है इंडस्ट्री में आने की, जो सीखना चाहते हैं, जिनको डांस में बहुत इंटरेस्ट है, जो लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, जो बहुत दूर है इन चीज़ों से। सो दिस इज़ अ सपोर्ट, दिस इज़ अ हेल्प फ्रॉम देम कि दे कम हियर एंड लर्न। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि आई एम गोना बी गिविंग अ लॉट ऑफ पर्सनल टच टू इट, और मेरा होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। और इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। इस पार्क को बहुत खूबसूरत बनाया है। दिस इज़ डेफिनेटली माई हेड क्वार्टर्स। ये एक जगह होगी जहाँ से मेरा बेस होगा और इससे आई रियली वॉन्ट टू ग्रो ऑल ओवर इंडिया एंड आई वॉन्ट टू गेट इस्पा इन ऑल द सिटीज़। और एक अच्छा डांस स्कूल बनाएंगे और इंडिया के सारे टैलेंट बाहर लेके आएंगे। पोनी के इंस्टीट्यूट की ओपनिंग में आई हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है बिकॉज पोनी एंड मेरा बैकग्राउंड ऑलमोस्ट सेम है। वी ए बैकअप डांसर्स वी वर। और आज एक डांसिंग को एक मकाम दिया है पोनी ने कि वो एक इंस्टीट्यूट ओपन किया है उसने, एंड अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे एंड बहुत अच्छे डांस सीख कर वो बहुत सारी रियलिटी शोज में जाएंगे। को मैं बहुत सालों से जानता हूँ। पोनी को मैं खामोशी जब बनाई थी तब वो गणेश हेगड़े के जो गाना कर रहे थे उसमें असिस्टेंट थी, और आज मैं ऊपर आसमानी से वो पोनी के ऊपर कंपोज किया गया था। तो पोनी बहुत छोटी थी तब से जानता हूँ और आज तक उसने मतलब गुजारिश में भी उसने कुछ 3-4 गाने किए मेरे साथ। तो पोनी इज़ वेरी डियर, वेरी स्पेशल, और आज उसने ये पूरा एक स्कूल खोला है परफॉर्मिंग आर्ट्स का। सो रियली गॉड ब्लेस हर एंड आई एम रियली विश हर ऑल द बेस्ट। पोनी को बहुत सारे विशेस देना चाहती हूँ। बहुत अच्छी फ्रेंड है, बहुत अच्छी इंसान है, एंड आई जस्ट वांट टू विश हर गुड लक। आई विश आने वाले टाइम में बहुत सारे आइस्पा अपने इंस्टीट्यूट खोले वो और बहुत आगे जाए। देखिए आई थिंक दिस इज़ द रीज़न पोनी ने अपना इंस्टीट्यूट खोला है, और आई एम श्योर शी वॉज डिस्कसिंग विद मी कि और जगह अपना इंस्टीट्यूट खोलने वाली है। एंड इट्स फॉर एवरी वन। ऐसे ही लोग आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही टैलेंट आगे बढ़ता है, एंड आई एम हैप्पी कि हर सिटी में शी इज़ प्लानिंग दैट, एंड लोगों को मौका मिल रहा है इतना अच्छा कि स्टार्स के साथ परफॉर्मेंस करने का, और जिस तरह का वो डांस सीखना चाहें उस तरह का। आई मीन इट्स गुड अपॉर्चुनिटी। पोनी को मैं ऑल द बेस्ट करने आया हूँ, एंड पोनी ने अपना एक स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स ओपन किया है आज, एंड आई विश ऑल द बेस्ट। एंड बहुत मेहनत से ऊपर आई है एंड आगे भी इसी तरह मेहनत से और आगे जाएगी। इस्पा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई थिंक बहुत सारे आर्ट फॉर्म में इस्पा ने पोनी ने एक साथ सब कुछ इकट्ठा करके एक जगह पे प्लेटफॉर्म पे ला दिया है। आई थिंक ऑसम, इज़ ब्यूटीफुल। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे न्यू कमर्स को स्पेशली, जिन्हें ज़्यादा स्पेंड भी नहीं करना पड़ेगा, एक छोटे अमाउंट में शी इज़ प्रेजेंटिंग सो मेनी थिंग्स, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस्पा के इनॉग्रेशन के लिए यहाँ आई हूँ, और ये मेरी बहुत करीबी दोस्त हैं पोनी वर्मा, जो बहुत ही बेहतरीन कोरियोग्राफर हैं, और उनका परिचय देने की मुझे आज कोई ज़रूरत नहीं है।
सारी इंडस्ट्री उनको जानती है, उन्होंने बड़े से बड़े स्टार्स के साथ आज काम किया है एंड आई एम प्राउड ऑफ हर कि वो उन्होंने इतना बेहतरीन ये प्लेटफॉर्म यू नो ये लॉन्च किया है. आज कई लोग हैं जिनको जिनमें बहुत सारा टैलेंट है हिंदुस्तान में, पर प्रैक्टिस करने के लिए कोई स्कूल नहीं है. सो आई थिंक इस तरह की और स्कूल खुलनी चाहिए और मैं दाद देती हूँ पोनी की हिम्मत की कि उन्होंने एक ऐसा इनोवेटिव आइडिया सोचा और उस पर पहल की और इतनी बेहतरीन स्कूल खोली है. और जिस तरह से उन्होंने अपना स्टूडियो बनाया है वो भी बहुत खूबसूरत है. आई एम लविंग इट. देखिए ऐसे अकेडमी बहुत सारे टैलेंट को आगे बढ़ाती है. सो पोनी ने जो काम किया है, और पोनी बहुत टैलेंटेड कोरियोग्राफर है, मैंने उनके साथ काम किया है एंड दिस इज़ समथिंग फैंटास्टिक शी इज़ डूइंग. मैं उनको बोलती हूँ कि ऑल द बेस्ट देने के लिए यहाँ आई हूँ एंड या बहुत आगे जाए सब बच्चे एंड एवरी थिंग ऑल द बेस्ट. दैट्स ऑल आई कैन से. बहुत खुश हूँ पोनी के लिए, बहुत सालों से जानता हूँ उसको. आई थिंक बहुत मेरी बेस्ट विशेज हैं दिल से, तह दिल से, क्योंकि इतना अच्छा काम कर रही है. शी इज़ यूजिंग डांस एज एन एक्सप्रेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स एज एन एक्सप्रेशन ऑफ योर सेल्फ. काफ़ी लोगों को शौक है परफॉर्मिंग आर्ट्स का, लेकिन उनके पास एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उनको एक सही जगह नहीं मिलती जहाँ जाकर वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ या कुछ सीख पाएँ या इस कला का, इस शौक का, इस इंटरेस्ट को कहीं बढ़ावा मिले. तो ये जो चीज़ है इस पर, आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर पोनी. आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट.